तो आइए आज महत्वपूर्ण वीडियो एक फिर से लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग 13.6 में जो है आप लोग ऑफलाइन मोड बिना नेट का आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से लेके आए हैं आज वीडियो। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और इसमें आप लोग को जो है जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आंगनबाड़ी सेविका अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं, आइए ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम लोग जो है किसी भी लाभार्थी को अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑफलाइन मोड में तो आप लोग को किस प्रकार से पता चलेगी। जैसे कि आप लोग देखिए कि ये जान के आप लोग को खुशी भी होगी। जैसे कि सबसे पहले देखिए कि हम लोग यहाँ पे जो है इस तरह से देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है यानी कि ऑनलाइन मोड है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर भी शो करेगा ऑनलाइन मोड और यहाँ जो है आप लोग को टावर करके और यहाँ पे जीरो दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है एक या दो आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सबसे पहले ऑफलाइन मोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑफलाइन मोड कर दिया और ऑफलाइन मोड जैसे ही कर दिया तो देखे कि यहाँ पे नेटवर्क को है इस तरह से जो है कटिंग कर दी गई है और यहाँ पे भी आप लोग जो आप लोग को भी ऑफलाइन मोड दिखा रही है। लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें कुछ नए जानकारी के साथ आप लोग के लिए लेके आए हैं वीडियो। जैसे सबसे पहले देखिए किसी भी लाभार्थी को अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग के पास मोबाइल में जो है डाटा नहीं है यानी कि नेट नहीं है, 2-3 दिन के लिए हम लोग कोई कारणवश नहीं डलाना चाह रहे हैं, तो आप लोग आसानी से जो है अगर आप लोग कोई भी काम करेंगे तो जैसे कि देखिए कि यहाँ पे जो है आप लोग को जो है ऑफलाइन मोड शो कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का क्या शो कर रही है ऑफलाइन मोड। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी में जाते हैं तो इस तरह से देखिएगा कि आप लोग को जो बेनिफिशियरी में जाने के बाद किसी भी लाभार्थी में क्लिक करते हैं तो आप लोग को इस तरह से दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड, यानी कि जो है आप लोग का जो रिकॉर्ड है ये आप लोग को शो नहीं करेगा। लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, मतलब किसी भी लाभार्थी को आप लोग आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है कि यानी कि किसी भी लाभार्थी हो यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग मदर हो या चाइल्ड हो, मतलब इस तरह से देख रहे होंगे। जैसे कि किसी भी लाभार्थी में अगर हम लोग इस तरह से जाते हैं तो देखिएगा कि आप लोग को जो है यहाँ पे जो है रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ऑफलाइन मोड में, यानी कि ऑफलाइन मोड में रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन आप लोग इसमें आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि आप लोग अगर देखिए कि यहाँ पे जो है ये ऑफलाइन मोड है ना, यहाँ पे हम लोग इसको ऑनलाइन मोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक, यहाँ पे आप लोग देखिए कि ऑनलाइन मोड हो गया है आप लोग को जो है यहाँ पे इस तरह से। और ऑनलाइन मोड जैसे ही हो गया तो फिर से अगर हम लोग जाते हैं तो जितना भी लाभार्थी है इस तरह से शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी को बैक करके फिर से हम लोग जो है इस तरह से ऑफलाइन मोड कर देते हैं, यानी कि इस तरह से जो है हम लोग का ऑफलाइन मोड हो गया, तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से जो है ऑफलाइन मोड में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल इस तरह से आप लोग को जो दिखा रहे हैं यानी कि ऑफलाइन मोड में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है टावर इस तरह से जो क्रॉस करके दिखाया जा रहा है तो आप लोग यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे कि ऑफलाइन मोड में तो आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग अभी डालते हैं सुमन, एक लाभार्थी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम लोग डालते हैं इस तरह से, इस तरह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालें, ठीक है। और यहाँ पे मेल है, इनका फादर का नाम हम लोग डालते हैं इस तरह से, उसके बाद इनका मदर का नाम डालते हैं, उसके बाद इनका जो है मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है जब जन्म लिया था बच्चा तो उस समय का आप लोग को जो है यानी कि केजी में और सेंटीमीटर में आप लोग को डालनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग को हाइट देख रहे हैं तो हाइट में आप लोग नॉर्मली डाल सकते हैं, यानी कि जो है केजी में पहले डाल लीजिए आप लोग, 2.5 केजी नॉर्मली या 3 केजी भी होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो है इंच में डाल लेंगे तो 32 और यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग सबमिट मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबमिट मारे, ये ऑफलाइन मोड में हम लोग कर रहे हैं, यानी कि ये जो है रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली आप लोग को दिखा दी और बैक हो गई। और यहाँ पे देखिए कि फिर से हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पे फिर आप लोग को जो है रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड, हम लोग को ऑफलाइन मोड में यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग को जो है ऑफलाइन मोड में जो यहाँ पे टावर दिख रही होगी, यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो इस तरह से आप लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग ने अभी ऑफलाइन मोड में बेनिफिशियरी लिस्ट आसानी से देख सकते हैं, यानी कि आप लोग के पास जो है नंबर यानी कि जो डाटा नहीं है यानी कि नेट नहीं है
यानी कि आप लोग के पास नेट नहीं है तो आप लोग इस तरह से आसानी से आप लोग जो है अगर लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, दो तीन काम या डेली ट्रैकिंग करते हैं, तो इस तरह से आप लोग को जो है बताया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, जब आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास नेट आ गया, तो आप लोग जैसे ही इस तरह से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो डाटा जो है यहाँ पे जो 3 दिन के लिए आप लोग को जो डाटा सेव रहेगी, वो डाटा को आप लोग को डायरेक्ट जैसे कि जैसे ही आप लोग मान लीजिए कि 3 दिन से पहले ही आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसको हम लोग अभी यानी कि नेट डलाएं, और जैसे ही हम लोग जो है नेट खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे सुमन के नाम से है, हम लोग का जो है इस तरह से शो कर रही है, और यहाँ पे आप लोग को जो है लिस्ट में आप लोग को जो एक दिखा रही है ऑनलाइन मोड हो गई है, और हम लोग बैक होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं इस तरह से जो है फिर से जाने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग जैसे ही बैक होंगे तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन मोड है, और यहाँ पे आप लोग को जो 0 हो गई है, यानी कि आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो देखिए कि यहाँ पे है आप लोग का जो है 0 हो गई, यानी कि जो डाटा हमने अभी डाला ऑफलाइन मोड में तो आप लोग को इस तरह से शो करने लगेगी। और आप लोग जैसे ही नेट दिए तो आप लोग को जो है ये लाभार्थी यानी कि 0-6 महीना वाले बच्चे में हम लोग ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है आप लोग का आ गया है। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से ऑफलाइन मोड में या इस तरह से आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।